नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 1000 प्रश्नों की सीरीज है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने 30 भाग के अंदर अपने 900 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना 31वां नंबर का भाग है और जिसमें 900 से आगे प्रश्न स्टार्ट होंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये वीडियो हैं, यह मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट 1000 क्वेश्चन के नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 901 नंबर प्रश्न है, डाइट का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, डाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो देखो, डाइट का जो मुख्य उद्देश्य है, क्रिया अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक सुधारों का विकेंद्रीकरण करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विद्यालय संकुल एवं जिला शिक्षा बोर्ड को शैक्षिक सहयोग देना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। ये दोस्तों ये सभी हैं, ये डाइट के मुख्य उद्देश्य हैं, तो द नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 902 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक डाइट में होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक डाइट में है वो क्या होता है? तो देखो, प्रधानाचार्य होता है या उप प्रधानाचार्य होता है या वरिष्ठ व्याख्याता होता है या उपरोक्त सभी होते हैं? तो दोस्तों, प्रत्येक डाइट में ये तीनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, प्रत्येक डाइट में एक प्रधानाध्यापक, एक उप प्रधानाध्यापक, 6 वरिष्ठ व्याख्याता, 13 व्याख्याता, 1 पुस्तकालाध्यक्ष, 1 लेखाकार, 2 वरिष्ठ लिपिक, 5 कनिष्ठ लिपिक, टेक्नीशियन व अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं प्रत्येक डाइट में, ठीक है। तो दोस्तों, कितनी डाइट हैं? तो टोटल तो 33 डाइट हैं वर्तमान में राजस्थान में, हर जिले में एक डाइट है, ठीक है। 903 नंबर प्रश्न है, डाइट के किस प्रभाग में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण यानी कि एसटीसी, ठीक है, एसटीसी आदि कार्य क्षेत्र आते हैं? डाइट के किस प्रभाग में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण एसटीसी आदि कार्य क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पीएसटीई, आईएफआईसी, डीआरयू, पीएंडएम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीएसटीई, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पीएसटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 904 नंबर प्रश्न है, डाइट के प्रभाग आईएफआईसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं? डाइट के प्रभाग आईएफआईसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों, क्या आते हैं इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आईएफआईसी के कार्य क्षेत्र में क्या आते हैं? तो देखो, क्रिया अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना, बिल्कुल सही है। जिला शिक्षा प्रशासन को जिला शैक्षिक योजना में सहयोग प्रदान करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों, इसमें सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण अभिनवन कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सभी आईएफआईसी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। 905 नंबर प्रश्न है, डाइट के किस प्रभाग में जिला के प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय, अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करना आदि कार्य क्षेत्र आते हैं? डाइट के किस प्रभाग में जिले के प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय, अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करना आदि कार्य क्षेत्र आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों इसमें डीआरयू में, ठीक है, किसमें? डीआरयू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 906 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, डाइट के प्रभाग पीएंडएम के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं? तो दोस्तों, डाइट के प्रभाग पीएंडएम, ठीक है, पीएंडएम के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं? तो दोस्तों, क्या शामिल है इसमें? तो इसमें देखो, पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना,
पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना, स्कूल मैपिंग माइक्रो प्लानिंग में अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना, प्रधानाध्यापकों शाला संगम अध्यक्षों एवं ब्लॉक स्तर शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण। तो देखो इसमें जो ये तीन दिए गए थे ए बैस है, ये तीनों ही कथन है, ये पी एंड एम में शामिल हैं, ठीक है, तो ये कार्य क्षेत्र में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त है सभी। 907 नंबर प्रश्न है, डाइट के प्रभाग, ठीक है, इसमें देखो दोस्तों डाइट के प्रभाग ईटी के कार्य क्षेत्र में शामिल है, तो दोस्तों डाइट के प्रभाग ईटी के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, तो दोस्तों क्या है इसमें ईटी के कार्य क्षेत्र में शामिल, तो देखो कम लागत यानी कि अल्पव्ययी की शिक्षण सामग्री तैयार करना, बिल्कुल सही है, वीडियो ऑडियो कैसेट्स का संग्रह, स्लाइड्स कैसेट्स, फिल्म्स का आदान प्रदान एवं प्रभावी शिक्षण में उपयोग, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर लैब, श्रव्य दृश्य सामग्री का रखरखाव, उपयोग, प्रदर्शन, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ये सभी प्रभाग हैं ये ईटी के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है, द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो डाइट के कार्यानुभव प्रयाग WE के कार्य क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, डाइट के कार्यानुभव प्रयाग WE के कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो दोस्तों क्या आते हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे पूछा है WE, ठीक है, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस के कार्य क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तो देखो क्या आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करना, कार्यानुभव कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के सहयोग प्रदान, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को सहयोग प्रदान करना, ठीक है, ये तीनों ही इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त है सभी, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 909 नंबर प्रश्न है, डाइट के प्रभाग CMDE के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, डाइट के प्रभाग CMDE के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या, तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण तकनीक कार्यक्रम, मूल्यांकन विधाओं पर कार्यशाला आयोजित करना, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 910 नंबर प्रश्न है, डाइट के प्रशासनिक शाखा प्रभाग का कार्य क्षेत्र है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डाइट के प्रशासनिक शाखा प्रभाग का कार्य क्षेत्र है, तो देखो प्रशासनिक शाखा प्रभाग का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, संस्थान के समस्त क्रियाकलापों की क्रियान्वित हेतु पहल करना, बिल्कुल सही है, संस्थान में संबंध अभिकरणों के सहयोग से मार्गदर्शन का आदान प्रदान करना, तीसरा है इसमें प्रशासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये दोस्तों प्रशासनिक शाखा प्रभाग के कार्य क्षेत्र हैं तीनों के तीनों, द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है, तो दोस्तों डाइट संस्थानों की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीरेट है, वो डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 912 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री डाइट को कौन सा प्रभाग तैयार करता है, शिक्षण अधिगम सामग्री डाइट को कौन सा प्रभाग तैयार करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, कार्यानुभव प्रभाग यानी कि वर्क एक्सपीरियंस WE, ठीक है, तो ये कार्यानुभव प्रभाग है ये दोस्तों ये तैयार करता है, ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है, डाइट संस्थान में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पंचांग तैयार किया जाता है,
तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये डाइट संस्थानों में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग है वो कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें सीरट। ठीक है, सीरट ही इसकी नोडल एजेंसी है। चौदह नंबर प्रश्न है, डाइट में पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य कौन सा प्रभाग करता है? डाइट में पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य कौन सा प्रभाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों CMDE कौन सा प्रभाग कार्य करता है? तो CMDE ये प्रभाग कार्य करता है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 915 नंबर प्रश्न है, डाइट का कौन सा प्रभाग पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करने का कार्य करता है? डाइट का कौन सा प्रभाग पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें CMDE। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी इसमें ये आएगा P&M आएगा इसमें। ठीक है, डाइट का कौन सा प्रभाग पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करने का कार्य करता है? तो वो करता है P&M। ठीक है, तो यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 916 नंबर प्रश्न है, क्रिया अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजने का कार्य डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें IFIC। ठीक है, IFIC हो जाएगा इसमें, IFIC ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा IFIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 917 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर लैब श्रव्य दृश्य सामग्री के रख रखाव उपयोग प्रदर्शन का कार्य डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो दोस्तों डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों ET करता है, ये कौन सा करता है? ET प्रभाग करता है ये। तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 918 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? डाइट का कौन सा प्रभाग डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो इसमें देखो 918 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन विधाओं पर कार्यशाला आयोजित करने का कार्य डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो दोस्तों डाइट का कौन सा प्रभाग करता है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CMDE। ठीक है, CMDE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 919 नंबर प्रश्न है, नवीन शिक्षण तकनीक का प्रभावी उपयोग डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? नवीन शिक्षण तकनीक का प्रभावी उपयोग डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर है वो है IFIC। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 920 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों शैक्षिक दल संकलन करने का कार्य डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? शैक्षिक दल संकलन करने का कार्य डाइट का कौन सा प्रभाग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है P&M। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 921 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शैक्षिक पहल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों सन 2005 में राजस्थान में शैक्षिक पहल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। छः नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में शैक्षिक पहल कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो शिक्षा के क्षेत्र में लोक निजी सहभागिता के मॉडल को प्रेरित करने के उद्देश्य से हुआ। ठीक है, यानी कि ये PPP वाला इसमें मॉडल था। ठीक है, जिसको अपन PPP बोलते हैं, PPP मॉडल। ठीक है, तो ये 2005 में ये प्रारंभ किया गया था, तो इसमें सही नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है REI का पूरा नाम क्या है? तो REI का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों, REI का हिंदी में जो पूरा नाम है वो है दोस्तों राजस्थान में शैक्षिक पहल। अब इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में तो कहते हैं राजस्थान में शिक्षा पहल,
तो इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों राजस्थान एजुकेशन इनिटिएटिव्स, ठीक है, ये कहते हैं REI का जो पूरा नाम है इसका, ठीक है, और राजस्थान में शैक्षिक पहल, ये इसका फुल फॉर्म हिंदी में है, ठीक है। RET का मुख्य सहयोगी है, तो RET का जो मुख्य सहयोगी है वो कौन सा है, तो दोस्तों सॉरी REI है ये, ठीक है, टी नहीं है। REI का जो मुख्य सहयोगी है वो कौन सा है, REI का मुख्य सहयोगी है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें देखो WEF, CII और GESCI या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी है, ये REI यानी कि राजस्थान में शैक्षिक पहल के मुख्य सहयोगी हैं ये, ठीक है। REI का जो मुख्य कार्य है वो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के लक्ष्यों की पूर्ति करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 924 नंबर प्रश्न है, REI के अब तक कितने NGOs, ठीक है, NGOs के साथ समझौता पत्र HOU हस्ताक्षर हुए हैं, REI के अब तक कितने NGOs के साथ समझौता पत्र HOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 26, ठीक है, कितने 26, याद रखना इस चीज़ को। 925 नंबर प्रश्न है, REI, ठीक है, ये REI है, REI की कितनी कार्य धाराएं हैं, तो REI की कितनी कार्य धाराएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। REI की कितनी कार्य हैं धाराएं हैं, तो 2 है ए नंबर का ऑप्शन, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 926 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में REI किसकी सहायता से चल रहा है, तो दोस्तों किसकी सहायता से चल रहा है राजस्थान में REI, तो ये चल रहा है दोस्तों CII के सहयोग से, ठीक है, CII के सहयोग से यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ की सहायता से चल रहा है ये आपको याद रखना है, तो इसका शॉर्ट में नाम है CII, ठीक है। 927 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का पूरा नाम है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो देखो ICT का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है दोस्तों ICT का पूरा नाम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 928 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से REI के अंतर्गत जो NGO सम्मिलित नहीं है वह है, निम्नांकित में से REI के अंतर्गत जो NGO सम्मिलित नहीं है वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो दोस्तों इसमें आगे चलते हैं, 929 नंबर प्रश्न, REET का प्रमुख उद्देश्य है, तो दोस्तों REET का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, तो इसमें देखो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, बालक का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, 100% नामांकन, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपरोक्त सभी, द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी कथन है इसमें सही है। 930 नंबर प्रश्न है, जयपुर में 5 वर्ष हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए स्थान प्रबंध SSA द्वारा किया गया, ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो भाग 31 है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज में आज अपना 31वां नंबर का वीडियो था, तो दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर मैंने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, वहां पे फोल्डर बना दिया गया है जिसका नाम है फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट 1000 क्वेश्चन,
ठीक है, आप वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।